नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, यूपी SSC अर्थात उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग के द्वारा आशुलिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा का विज्ञापन ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सामान्य अध्ययन और करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए हम विज्ञापन को देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह विज्ञापन जारी किया गया है यूपी SSC के द्वारा आशुलिपिक मुख्य परीक्षा के लिए। ओके, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 आशुलिपिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 8। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि है 2 सितंबर 2023। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि है 17 अक्टूबर 2023। ओके फ्रेंड्स, तो 17 अक्टूबर 2023 से आप आवेदन कर सकते हैं इस परीक्षा के लिए। ओके, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि है 6 नवंबर 2023 और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि है 15 नवंबर 2023। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों इस परीक्षा के लिए अप्लाई करने से पहले आप एक बार पूरा विज्ञापन ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आगे हम देख लेते हैं क्या जानकारी इसमें दी हुई है। देखिए लिखा हुआ है उपर्युक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन सबमिट करने व शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2023 है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र का प्रिंटआउट तब तक नहीं निकाला जा सकेगा जब तक कि उसके द्वारा जमा शुल्क का समायोजन बैंक द्वारा नहीं कर लिया जाता। अतः अभ्यर्थी द्वारा बैंक से शुल्क का समायोजन 6 नवंबर 2023 तक अथवा उसके पश्चात विलंबतम दिनांक 15 नवंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से करा लिया जाए। इस अवधि में अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अनुमन्य विवरण को संशोधित भी किया जा सकता है। ओके दोस्तों, आगे देखिए लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 9 परीक्षा 2023 आशुलिपिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 8 के अंतर्गत विभिन्न विभागों के नियंत्रणाधीन आशुलिपिक के कुल रिक्त 277 सामान्य चयन के अंतर्गत 233 और विशेष चयन के 44 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो कुल रिक्त पद कितने हैं? 277। ओके, आगे लिखा है आशुलिपिक मुख्य परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 8 हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्टलिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 PET 2022 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। अतः इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुए हैं एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो PET 2022 की परीक्षा यदि आपने दी है और आयोग के द्वारा आपको वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ स्कोर कार्ड जारी किया गया है तो आप इस परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे यह भी लिखा हुआ है कि PET 2022 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में शून्य या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। ओके, आगे लिखा है परंतु यह कि जब तक आयोग स्तर से जाँच के अधीन व औपबंधिक श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता तब तक इन श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदन की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की जाती है कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्टिंग व चयन संबंधी अग्रेतर कार्यवाही आयोग द्वारा की जा रही जाँच के परिणाम निर्णय के अधीन होगी। ओके, आगे और भी जानकारी दी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। लिखा है ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना।
लिखा है, इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रणाली लागू है, अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upssc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ओके, आवेदन की प्रक्रिया दी हुई है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश दिए हुए हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डिक्लेरेशन दिया हुआ है, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। इसके बाद फीस का भुगतान एवं समायोजन तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, इसके बारे में जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। आवेदन शुल्क, इसके बारे में देखिए क्या जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों से आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा, जिसका श्रेणीवार विवरण नीचे दी गई तालिका में अंकित है। मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए जाने की दशा में शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क अलग से दे होगा, जिसका भुगतान मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाना होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है ₹25, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है ₹25, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क है ₹25, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए भी आवेदन शुल्क है ₹25। आगे लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित भूतपूर्व सैनिकों, महिला, दिव्यांगजन एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी अभ्यर्थियों द्वारा क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे और भी जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, आवेदन पत्र में संशोधन के संबंध में जानकारी दी गई है। ओके फ्रेंड्स, पदों का विवरण। ओके, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई है, दिनांक 28 जनवरी 2020 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्रेषित उपलब्ध कराए जाने वाले अध्याचनों में रिक्तियों की गणना एवं आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। ओके, आगे और भी जानकारी दी गई है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। देखिए आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, कुल विज्ञापित पदों की संख्या व उनके सापेक्ष लंबवत आरक्षण का विवरण। तो यहाँ पर विभाग के नाम दिए गए हैं, ठीक है, और पद का नाम दिया गया है, और वेतन बैंड और ग्रेड पे भी दिया गया है, और अध्याचित कुल रिक्त पदों का आरक्षणवार विवरण भी दिया गया है। तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं, जैसे कि देखिए सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आशुलिपिक के पद के लिए अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 24 पद हैं, अनुसूचित जाति की श्रेणी के अंतर्गत 12 पद हैं, अनुसूचित जनजाति की श्रेणी के अंतर्गत 1 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के अंतर्गत 15 पद हैं, EWS की श्रेणी के अंतर्गत 5 पद हैं, कुल पदों की संख्या है 57, ठीक है, और पदों की अभियुक्ति भी दी गई है स्थाई। ओके फ्रेंड्स, इस तरह से अन्य विभागों के लिए भी यहाँ पर पदों का विवरण दिया गया है, इसको आप पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और ये कुल पद दिए गए हैं, ठीक है, श्रेणीवार। इसके बाद कुल विज्ञापित पदों के सापेक्ष क्षैतिज आरक्षण का विवरण दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आरक्षण संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। अर्हताएं, इसके अंतर्गत लिखा हुआ है अनिवार्य अर्हता शैक्षिक, लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के भाग 4 नियम 10 के अनुसार सेवा में आशुलिपिक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित अर्हताएँ होनी आवश्यक हैं। पहली अर्हता है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो। ओके फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट परीक्षा जो है उत्तीर्ण कर ली हो उत्तर प्रदेश की, या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण कर ली हो, ये पहली अनिवार्य अर्हता है। ओके, दूसरी अर्हता है हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। आशुलेखन में, हिंदी आशुलेखन में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टंकण में
अर्थात हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। तीसरी अनिवार्य शैक्षिकार्थ है DOEACC अर्थात डोएक सोसाइटी द्वारा संचालित CCC पाठ्यक्रम अर्थात CCC पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो, या माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अधिमानी अर्हता दी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के भाग 4 नियम 11 के अनुसार अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये अधिमानी अर्हता दी हुई है। इसके बाद आयु के संबंध में जानकारी दी गई है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के भाग 4 नियम 12 के अनुसार सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने उस कैलेंडर वर्ष की जिसमें सीधी भर्ती के लिए रिक्तियां प्रकाशित की जाएं पहली जुलाई को क्रमशः 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त न की हो, परंतु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाएं, अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए चयन का आधार, ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। इस बारे में देखिए लिखा हुआ है कि प्रश्नगत पदों पर चयन उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 की अधिसूचना संख्या, आगे अधिसूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 11 मई 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश समूह गा के पदों पर सीधी भर्ती रीति और प्रक्रिया नियमावली 2015 उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या, आगे अधिसूचना संख्या लिखी हुई है, दिनांक 31 अगस्त 2017 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती साक्षात्कार का बंद किया जाना नियमावली 2017 एवं उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या, आगे शासनादेश संख्या लिखी हुई है, दिनांक 20 नवंबर 2020 द्वारा अपनाई गई नवीन आवेदन प्रक्रिया एवं द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अनुसार जिसके अंतर्गत मुख्य परीक्षा के लिए वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है जो आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में सम्मिलित हुआ हो, तथा उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के अनुसार किया जाएगा। तदनुसार आयोग द्वारा अभ्यर्थियों के चयन हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ओके, आगे इसमें और भी जानकारी दी हुई है, इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। लिखा कि उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग आशुलिपिक संवर्ग सेवा नियमावली 2014 दिनांक 6 जून 2014 के नियम 10 के प्राविधानों के अनुसार अभ्यर्थियों की हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है जिसके परीक्षण हेतु परीक्षा के द्वितीय चरण में लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों की हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकण दक्षता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जो कि अर्हकारी प्रकृति की होगी। ओके, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम तथा परीक्षा तिथि के संबंध में यथा समय पृथक से सूचित किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बारे में यथा समय सूचित किया जाएगा। आगे लिखा है लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट, प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु विज्ञापित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार 15 गुना अभ्यर्थियों अंतिम कट ऑफ अंक परसेंटाइल स्कोर 0.2 स्थान तक धारित करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए को मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यदि परीक्षा एक से अधिक पालियों दिवस में आयोजित की जाती है तो अभ्यर्थियों के तुलनात्मक मूल्यांकन हेतु स्कोर के नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया लागू होगी। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा अप्लाई करने से पहले। इसके बाद प्रमाण पत्र के प्रारूप दिए गए हैं। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तो फ्रेंड्स इस तरह से आशुलिपिक मुख्य परीक्षा अर्थात स्टेनोग्राफर मुख्य परीक्षा का विज्ञापन UP SSC के द्वारा जारी कर दिया गया है।
आप सभी अभ्यर्थी एक बार विज्ञापन को ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। ओके फ्रेंड्स, तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।